अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन टी स्कॉलरशिप जैकेट, और इस लेसन के हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, व्हाट ट्रेडिशन वाज फॉलोड बाय द स्मॉल टेक्सास स्कूल व्हिच मार्था सेलिनास अटेंडेड, कि आखिर वो कौन सी रिवायत थी जो कि टेक्सास का जो छोटा स्कूल था वो हर साल जो है वो दोहराता था, यानी कि वो रिवायत उनकी कौन सी थी उसका जिक्र करें, वो बताएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये लेसन पढ़ा है कि क्या होता है, ये जो टेक्सास का स्कूल है छोटा सा, यहाँ पे कौन सी ट्रेडिशन होती है, वो ये होती है कि हर बच्चा जो कि 8 साल तक फर्स्ट ग्रेड शो करता है, ए प्लस स्टूडेंट रहता है, तो उसके 8 क्लास तक के ग्रेड देखे जाते हैं, 1 से लेके 8 तक के, और अगर वो 8 साल तक अपनी पोजीशन मेंटेन रखता है तो उसे एक गोल्ड की और ग्रीन और गोल्ड कलर की जैकेट दी जाती है, जिस पर स्कूल का नेम भी लिखा होता है और उस जीतने वाले का नाम भी गोल्ड से लिखा होता है, और ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट होता है और बहुत अच्छी जैकेट होती है, एक जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप जैकेट। तो ये हर साल जो है ग्रेजुएट करने वालों को, जो बच्चा मेंटेन जिसने पोजीशन रखी हो उसको ये देते हैं, तो ये वहाँ की ट्रेडिशन थी। तो इसका आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने लिखना है कि द स्मॉल टेक्सास स्कूल कैरिड आउट अ ट्रेडिशन एवरी ईयर ड्यूरिंग द 8th grade ग्रेजुएशन, के टेक्सास का जो छोटा स्कूल है वो हर साल ये रिवायत उठाता था, या उसकी रिवायत थी हर साल कि 8 साल तक जो ग्रेजुएशन होता है, जो बच्चा मतलब 8th class तक पढ़ता है, अ ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट, एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी और सब्ज़ रंग की जैकेट, दी स्कूल कलर्स जो उनके स्कूल के रंगों वाली ही होती थी उसके रंग, वॉज अवार्डेड टू द क्लास वैलिडिक्टोरियन, तो वो उसको दी जाती थी जो कि वहाँ से बच्चा वैलिडिक्टोरियन अलविदा हो रहा होता था या जा रहा होता था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके। द स्टूडेंट हु हैड मेंटेन्ड द हाईएस्ट ग्रेड्स फॉर 8 ईयर्स, वो तालिब इल्म जिसने 8 साल तक अपना जो ग्रेड है, पढ़ाई का जो लेवल है, वो सबसे हाईएस्ट रखा हो, सबसे ऊपर रखा हो, उसे दी जाती थी। द स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड एंड द विनर्स नेम वॉज रिटन इन गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट। अब वो थोड़ी सी हमें जैकेट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह की थी, कि स्कॉलरशिप जैकेट जो थी हैड अ बिग गोल्ड ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड, कि इसकी जो बाएं तरफ की अगली साइड थी उस पर बड़ा सा सोने का जो है राउंड सी एक शेप लगी होती थी, बिग गोल्ड, और इस राइट साइड पे उसकी दूसरी साइड पे क्या होता था, पॉकेट के ऊपर जो विनर होता था, जीतने वाले का नाम जो है वो भी गोल्ड में मतलब सोने के लेटर्स से सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता था। तो ये जैकेट थी उनकी और ये उनकी ट्रेडिशन थी हर साल जो वो कैरी करते थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डिड मार्था एक्सपेक्ट दैट शी वुड विन द स्कॉलरशिप जैकेट दैट ईयर, कि आखिर मार्था क्यों ये तवक्का कर रही थी कि उसे जो है इस साल जैकेट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि मार्था एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी और उसने जो है ए प्लस स्टूडेंट रही थी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक, तो अब जब वो ग्रेड 8 उसका कंप्लीट होने वाला था तो उसे पता था कि मेरे जो ग्रेड हैं फर्स्ट ग्रेड से लेके अब तक मैं ए प्लस रही हूँ, मतलब उसने बहुत हार्डवर्क की है, बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे लग रहा था कि ये इस साल जैकेट जो है वही विन करेगी और उसे ही मिलेगी। तो इसका आंसर हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है, मार्था एक्सपेक्टेड टू विन द स्कॉलरशिप जैकेट एज शी हैड बीन एन एक्सीलेंट परफॉर्मर सिंस द फर्स्ट ग्रेड, कि मार्था जो है वो इस वजह से स्कॉलरशिप जैकेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसने पहले दर्जे से लेकर बहुत ही शानदार जो परफॉर्मेंस है उसने वो शो की थी। शी हैड बीन अ स्ट्रेट ए प्लस स्टूडेंट सिंस द फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि वो पहले दर्जे से ही बिल्कुल सीधी ए दर्जे की ए प्लस जो स्टूडेंट है वो रही थी, एंड बाई रूल, इसलिए रूल क्योंकि वो उनके स्कूल का रूल था, उस रूल के मुताबिक शी डिज़र्व्ड
that jacket. तो वो इस jacket की हकदार थी. The last year she had looked forward to owning that jacket. और वो आखिरी साल जो वो उसका graduate complete होने का था उसी साल से उसने look forward आगे देखना शुरू कर दिया था to owning that jacket कि जैसे कि वो उस jacket की मालिक बन गई है क्योंकि उसे लगता था कि मुझे ही ये जैकेट मिलेगी क्योंकि मैंने इतने सालों से अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन्ड रखी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई कुड नॉट मार्था टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एट स्कूल. कि आखिर मार्था जो है वो जो स्कूल के खेल होते हैं उनमें हिस्सा क्यों नहीं लेती थी या ले सकती थी. तो एक तो फ्रेंड्स इसका ये रीज़न है कि वो ज़रा पुअर फैमिली से बिलोंग रखती थी और जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहिए होती है, यूनिफॉर्म की कॉस्ट, उसके अलावा ट्रिप होते हैं आउट ऑफ टाउन के, इस वजह से वो इसमें पार्ट नहीं लेती थी क्योंकि उसे पता था वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती. तो इसका आंसर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, आपने लिखना है Martha could not participate in sports at school because there were registration fees, uniform costs and trips out of town. इसलिए Martha उसमें participate नहीं करती थी school के खेल में क्योंकि वहाँ पर registration की fees होती थी, uniform का ख़र्चा होता था, इसलिए जो बाहर के कस्बे के बाहर के trip होते थे उसका ख़र्चा होता था. So even though she was quite agile and athletic, इसके बावजूद कि वो बहुत फुर्तीली और जो है खिलाड़ी किस्म की लड़की थी, there would never be a sport jacket for her. फिर भी स्पोर्ट जैकेट उसके लिए नहीं थी, यानी कि वो एक स्पोर्ट जैकेट भी नहीं ख़रीद सकती थी. दिस वन द स्कॉलरशिप जैकेट, ये जो स्कॉलरशिप जैकेट थी वाज हर ओनली चांस. तो यही उसका वाहिद चांस था, यानी कि ज़रिया था, क्योंकि उसे पता था कि पढ़ने के साथ अच्छी पढ़ाई करके वो स्कॉलरशिप जैकेट तो विन कर सकती है लेकिन जो स्पोर्ट जैकेट है वो नहीं ख़रीद सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4. Who were angrily arguing when Martha reached her classroom to pick her shorts and what were they arguing about? अब हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो जो दो नाराज़ होने वाली angrily और arguing के नाराज़ होने वाली आवाज़ें और एक दूसरे को जो कायल करने वाली आवाज़ें थी वो कौन किसकी थी आवाज़ें. जब मार्था जो है अपने रूम क्लासरूम के बाहर आई थी अपने शॉर्ट्स अपने कपड़े उठाने के लिए एंड व्हाट वर दे आर गोइंग अबाउट, और वो किस बारे में एक दूसरे से बहस कर रहे थे या एक दूसरे को कायल कर रहे थे. तो फ्रेंड्स कौन था वो थे मार्था के दो टीचर, एक उसके हिस्ट्री टीचर थे और एक इसके मैथ टीचर थे. क्योंकि और वो किस बारे में आर्गुइंग कर रहे थे, किस बारे में बहस कर रहे थे, वो यही स्कॉलरशिप जैकेट के बारे में जो है बात कर रहे थे. तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है मिस्टर श्मिट हर हिस्ट्री टीचर एंड मिस्टर बून हर मैथ टीचर. ये दो टीचर थे जो आपस में बात कर रहे थे. दे सीम्ड टू बी आर्गुइंग अबाउट अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप जैकेट टू हर और जॉन. कि ये मिस्टर श्मिट और हिस्ट्री टीचर जो उसके थे और मिस्टर बोन उसके मैथ टीचर, ये एक दूसरे से आर्गुइंग कर रहे थे किस बारे में कि किसको अवार्डिंग दें, किसको नवाजें स्कॉलरशिप जैकेट से टू हर, यानी कि हर से मुराद यहाँ मार्था है, मार्था को दें या जॉन या फिर दूसरी बच्ची जो जॉन है उसको दें. तो उसने ये सब कुछ सुन लिया था रूम से बाहर खड़े होकर. तो ये दो बंदे जो हैं वो आर्गुइंग कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. हु रिफ्यूज्ड टू लाई और फालसीफाई मार्था एकेडमिक रिकॉर्ड एंड वाई. आखिर किसने जो है इनकार कर दिया था झूठ बोलने से या गलत बयानी करने से मार्था का जो एकेडमिक रिकॉर्ड था, यानी कि उसका जो पढ़ाई का रिकॉर्ड था, एंड वाई और क्यों. कि आखिर किसने इनकार किया था कि वो मार्था की जो पढ़ाई के रिकॉर्ड के हवाले से झूठ नहीं बोलेंगे. तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा है जैसे कि लेसन में मिस्टर श्मिट जो कि उसके हिस्ट्री के टीचर थे, तो वो ये झूठ बोलने से या गलत बयानी करने से इनकार कर देते हैं. इवन कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर आप लोगों ने मुझसे ऐसा कुछ
करवाया, तो मतलब इतनी बड़ी बात वो कर देते हैं। तो वो मिस्टर श्मिट थे जिन्होंने रिफ्यूज्ड कर दिया था कि वो इसके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। और वाई, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो दूसरी बच्ची जॉन, जिसको वो कह रहे थे जैकेट देने का, उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो इनकार कर रहे थे कि जिस बच्ची का हक बनता है जैकेट उसी को ही मिलनी चाहिए। तो आंसर इसका हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम इसके आंसर में लिखेंगे, मिस्टर श्मिट रिफ्यूज्ड टू लाई और फालसीफाई मार्ता एकेडमिक रिकॉर्ड बिकॉज कि मिस्टर श्मिट ने जो है इनकार कर दिया था मार्ता के पढ़ाई तालीमी रिकॉर्ड के बारे में कुछ गलत बयानी करने से या गलत काम लेने से, क्योंकि मार्था हैज़ अ ए स्ट्रेट ए प्लस एवरेज वाइल जॉन्स एकेडमिक रिकॉर्ड वॉज नॉट सो गुड एंड कंसिस्टेंट, कि मार्था का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा से ए प्लस रहा है, जबकि जॉन्स वो दूसरी बच्ची जिसको वो लोग चाह रहे थे कि जैकेट दे दी जाए, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इस वजह से वो कह रहे थे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा या गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द चेंज इन पॉलिसी रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप जैकेट? इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी तब्दीली आई थी रिगार्डिंग अवार्ड द स्कॉलरशिप जैकेट, के वो जो स्कॉलरशिप जैकेट जिसका वो अवार्ड देते थे, जिससे नवाजते थे स्टूडेंट को, तो उसमें क्या तब्दीली आई थी उस पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेसन पढ़ा है कि उन्होंने, बोर्ड ने क्या रूल बना दिया था कि जिसको ये जैकेट चाहिए वो $15 जो है वो ये देगा, नहीं तो ये किसी और दूसरे को दे दी जाएगी। तो ये उन्होंने न्यू जो है रूल बनाया था और पॉलिसी में चेंज किया था, जबकि इससे पहले जो है ये जैकेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी। इसी साल जब मार्था ये विन करने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि इस जैकेट को हासिल करने के लिए आपको $15 जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हमने कैसे अटेम्प्ट करना है? हम लिखेंगे, द चेंज इन पॉलिसी रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट एज इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री, बट दिस ईयर द बोर्ड डिसाइड टू चार्ज $15 which still won't cover the complete cost of the jacket from receiver of jacket, के the change in policy, पॉलिसी में ये तब्दीली आई थी रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट, स्कॉलरशिप जैकेट को लेकर, as it has always been free, जैसा कि ये पहले से हमेशा से ही बिल्कुल मुफ्त देते रहे हैं, मुफ्त रही है, but this year, लेकिन इस साल the board decide to charge $15, के बोर्ड ने अब फैसला किया है कि वो $15 जो है उसकी रकम लेगा, we still won't cover the complete cost of the jacket, जो कि अभी भी जैकेट की पूरी कीमत नहीं बनती, फ्रॉम रिसीवर ऑफ जैकेट, के जो उस जैकेट को रिसीवर करने वाला होगा, लेने वाला होगा, उसको $15 पे करने पढ़ेंगे लाजमी। तो ये उन्होंने पॉलिसी में चेंज कर दिया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड हर ग्रैंडफादर से व्हेन मार्था टोल्ड अबाउट पेमेंट टू बी मेड फॉर द जैकेट, कि आखिर जो मार्था के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने क्या कहा था जब मार्था ने उन्हें बताया था जैकेट के पेमेंट के बारे में? तो इसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो पैसे नहीं देंगे, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने प्रिंसिपल को बता दे कि उसने ये जो है मेहनत की है, 8 साल तक मेहनत की है जैकेट पाने के लिए, और अगर वो इसके लिए रकम अदा करेगी तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं होगी। तो साथ उन्होंने ये बात मार्था को समझानी चाहिए थी कि ये पैसों का मामला नहीं है, असल मामला है आपकी मेहनत का, कि आपने 8 साल जो मेहनत की है वो इसीलिए की है, अगर हम इसके लिए पे कर देंगे तो फिर तो ये स्कॉलरशिप जैकेट रहेगी ही नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे? इसके आंसर में आप लोगों ने लिखना है, व्हेन मार्था टोल्ड हर ग्रैंडफादर अबाउट पेमेंट टू बी मेड फॉर द जैकेट, कि जब उसने अपने दादा अबू को बताया कि इस जैकेट के लिए कुछ पेमेंट जो है वो पैसे कुछ अदा करने पड़ेंगे, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि शी शुड टेल हर प्रिंसिपल, कि उसे अपने प्रिंसिपल को बता देना चाहिए दैट शी अर्न इट बाई हैविंग द हाइस्ट ग्रेड्स फॉर
8 years कि उसने ये कमाई है, मतलब ये नाम कमाया है 8 सालों तक अच्छे ग्रेड, सबसे ऊंचे दर्जे के ग्रेड हासिल करके, एंड इफ़ शी हैड टू पे फॉर इट, और ये साथ ये कहे कि अगर वो इसके लिए कीमत अदा करेगी, इट इज़ नॉट अ स्कॉलरशिप जैकेट, तो ये जो है स्कॉलरशिप जैकेट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। What happened when Martha told the principal what her grandfather has said? कि आखिर तब क्या हुआ जब मार्था ने अपने प्रिंसिपल को वो सब बातें बताई जो कि उसके दादा अबू ने कही थी। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ने क्या किया था कि ऊंची आवाज़ से ठंडी सर्द आह भरी थी और साथ ही अपने डेस्क के पास वो वापस चले गए थे। इसके अलावा इधर उधर देख रहे थे, अपने लिप्स को जो है बाइटिंग कर रहे थे, मतलब जिस तरह सोच रहे थे। फिर सोचते सोचते आखिर उन्होंने क्या कहा एंड पे, मार्था को कहा ठीक है तो हम तुम्हारे मामले में कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शन करते हैं और तुम्हें तुम्हारी जैकेट मिल जाएगी। तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है व्हेन मार्था टोल्ड द प्रिंसिपल व्हाट हर ग्रैंडफादर हैड सेड, कि जब उसके दादाबू ने जो भी कहा वो उन्होंने प्रिंसिपल को बताया, ही साइटेड लाउडली, तो उन्होंने एक ऊंची जो है आह भरी, एंड वेंट बैक टू हिज बिग डेस्क, और अपने बड़े से डेस्क के पीछे जो है वो चले गए। ही लुक्ड एट मार्था, उन्होंने मार्था की तरफ देखा, बाइटिंग हिज लिप्स, अपने होंठों को काटते हुए, एज इफ ही थिंकिंग, जैसे कि वो कुछ सोच रहे हो, एंड सेट, और कहा ओके ठीक है, वी विल मेक एन एक्सेप्शन इन योर केस, हम तुम्हारे केस में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कुछ क्या करते हैं, आई विल टेल द बोर्ड, कहते मैं बोर्ड को बता दूंगा, यू विल गेट योर जैकेट, तुम्हें तुम्हारी जैकेट जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टू टीचर्स हु वर आर्गुइंग अबाउट मार्था, कि आप उन दो टीचर्स जो दो उस्ताद हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं जो कि मार्था वाले मामले के बारे में आपस में बहस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मिस्टर श्मिट जो हैं वो असूलों वाले आदमी थे और बिल्कुल इंसाफ से काम ले रहे थे, जबकि मिस्टर बून जो थे उनके कोई उसूल नहीं थे और वो नाइंसाफ़ी से काम ले रहे थे। तो ये हमारी उनके बारे में ओपिनियन कायम हुई है, इसलिए हम इसको आंसर इसका कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका हमने लिखना है द टू टीचर्स हु वर आर्गुइंग अबाउट मार्था वर मिस्टर श्मिट एंड मिस्टर बोन्स, कि वो ये दो टीचर थे, एक का नाम था श्मिट, मिस्टर श्मिट, और दूसरे टीचर का नाम था मिस्टर बोन्स। आई थिंक मिस्टर श्मिट इज़ जस्ट एंड सेंसिबल पर्सन, मेरा ख्याल है कि मिस्टर श्मिट जो हैं वो एक समझदार इंसान थे, वाइल मिस्टर बोन इज़ अ मैन ऑफ नो प्रिंसिपल्स एंड अनफेयर, वो एक ऐसे मिस्टर बोन शख्स थे जिनके ना कोई उसूल थे और वो नाइंसाफ़ी भी कर रहे थे। इन माई ओपिनियन, आगे थोड़ी सी अगर आप अपनी राय लिखते, एकेडमिक अवार्ड्स शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि हमारे ख्याल में जो पढ़ाई का जो अवार्ड है वो मेरिट की बुनियाद पर देना चाहिए, एंड नो अदर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ना कि स्टेटस की बिना पर हम किसी को इस अवार्ड से नवाजें कि इनका स्टेटस ऊंचा है तो चलो इन्हें ये दे दें, बल्कि असल चीज़ है मेरिट की, हमें मेरिट की बुनियाद पर ये देना चाहिए या नवाजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। What is your opinion of the principal of the school? कि दो कैरेक्टर्स तो आपने टीचर्स के पढ़ लिए हैं, अब तीसरा कैरेक्टर जो प्रिंसिपल है, जो जिसने मार्था को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा था, तो अब से वो ये पूछ रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में आपकी क्या राय है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक प्रिंसिपल का ताल्लुक है, हमने ये देखा है कि वो एक अच्छा इंसान लगते थे प्रिंसिपल जो हैं, बस वो ये लग रहा था कि उन्हें कोई मजबूर कर रहा है इस तरह करने के लिए कि जैकेट मार्था की बजाय किसी और को दी जाए। तो इसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम लिखेंगे द प्रिंसिपल सीम्स टू बी अ नोबल एंड गुड पर्सन, के प्रिंसिपल जो है वो एक नेक और अच्छे इंसान जो है वो नज़र आते थे, बट आई थिंक ही इज़ कंपेल्ड बाय द बोर्ड टू डिप्राइव मार्था फ्रॉम द जैकेट, के लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा था बोर्ड की तरफ से कि वो मार्था को उसकी जैकेट से महरूम कर दें और किसी और को दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ
मार्थाज ग्रैंडफादर के मार्था के जो दादा बू हैं उनका किरदार आप किस तरीके से बयान करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि मार्था के जो ग्रैंड डैड थे उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर था इसमें, जबकि उनके पास पैसे थे, रकम थी उनके पास, लेकिन उन्होंने जस्ट इसलिए नहीं दी कि ये जो स्कॉलरशिप जैकेट है ये परफॉर्मेंस की बेस पर देनी चाहिए, ना कि पेमेंट ऑफ मनी कि हम रकम अदा करें तो बच्चे को मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आप लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल सीम्स टू बी अ नोबल एंड मार्था के जो ग्रैंडफादर है उनका करेक्टर क्या था, वो ये था द करेक्टर ऑफ मार्थास ग्रैंडफादर वाज इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही दिलचस्प था। ही हैज़ मनी टू पे फॉर स्कॉलरशिप जैकेट, वो स्कॉलरशिप जैकेट के लिए रकम उनके पास थी अदा करने के लिए, बट ही डिड नॉट गिव मनी टू हिज ग्रैंड डॉटर बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस जैकेट शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडेमिक परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन पेमेंट ऑफ मनी, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते थे कि अपनी बेटी को मार्था को ये क्लियर कर दें कि ये पैसों का मामला नहीं है जिस वजह से वो नहीं पे कर रहे कि पैसे उनके पास नहीं है, असल में ये चीज़ है उसकी परफॉर्मेंस की कि उसने 8 साल तक इतनी मेहनत की है और अगर अब वो इसके लिए पे करेगी, रकम अदा करेगी तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे द स्कॉलरशिप जैकेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपने ये अच्छे से इसी तरह प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको पेपर में आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें।